अब हम लोग लॉगरिथम के फॉर्मूले पूरे पढ़ चुके हैं, इसकी हम प्रैक्टिस कर रहे थे, है ना। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे इसके डिफरेंट फॉर्मूलों पर, आज भी वही करेंगे, राइट। हम कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके। आज देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर वन, थ्री log 4 बेस x प्लस 2 log 4 बेस 4x प्लस 3 log 4 बेस 16x इक्वल 0। देखो बेटा, किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है कंटिन्यूटी, राइट। कंटिन्यूटी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यदि आपने इसके पहले वाले लेक्चर लॉगरिथम के नहीं देखे हैं तो ये क्वेश्चन समझने में दिक्कत होंगी, पहले स्टार्ट से देखिए, फर्स्ट लेक्चर से ज्यादा बेटर रहेगा। देखो बेटा, यहाँ पर जो है नंबर फोर है बेस एक्स है, नंबर फोर है बेस फोर एक्स है कि नहीं। मतलब नंबर सबका सेम है लेकिन बेस सबके अलग अलग है। तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, लॉग बी बेस ए इक्वल वन अपॉन लॉग ए बेस बी। बेस सेम होना जरूरी है, जब भी हम किसी लॉगरिथम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जब तक बेस सेम नहीं होंगे हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये कितना जाएगा, थ्री अपॉन वो फॉर्मूला यूज करें तो लॉग एक्स बेस फोर, टू अपॉन लॉग फोर एक्स बेस फोर, प्लस थ्री अपॉन log 16x बेस 4 इक्वल 0। अब इसको सॉल्व करना है हमें, ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, log b बेस a इक्वल 1 अपॉन log a बेस b। ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे बेटा, रेसिप्रोकल में जाएंगे, तो x 4 है यहाँ 4x, ऐसे ही बाकी भी है। 3 अपॉन log x बेस 4 प्लस 2 अपॉन, यहां पर देखो बेटा इसमें वो log m into n फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, log ऑफ m into n, log ऑफ m into n मीन्स log m प्लस log n, समझ में आ रही है, log ऑफ m into n log m प्लस log n। नेक्स्ट हमें भी वही करेंगे, प्लस 3 अपॉन log m प्लस log n इक्वल 0। अब सभी में क्लियर दिख रहा है, देखो जो वेरिएबल वाला पोर्शन है जिसमें जो हमें फाइंड करना है x, तो ये टर्म है log x बेस 4, यहां पर भी वही है log x बेस 4, log x बेस 4। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम log x बेस 4 को t ले लेते हैं, बराबर अपना 3 बाई टी, प्लस 2 अपॉन log 4 बेस 4 कितना होता है 1, log a बेस a 1 होता है, तो ये 1 प्लस टी, और log 16 कितना होगा, 16 को क्या लिख सकते हैं हम 4 का स्क्वायर, है ना। इस तरह से log 16 बेस 4 यानी 16 क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर, तो ये 2 बाहर, फॉर्मूला है ना log m पावर n log 4 बेस 4, log 4 बेस 4 1 होता है, तो इज 2, आ गया 2 प्लस टी इक्वल 0।
अब इसको सॉल्व करना है अपने को इस इक्वेशन को और टी की वैल्यू फाइंड करना है, बराबर है। एक तरीका डायरेक्ट है कि पूरा पूरा डायरेक्टली सॉल्व कर लें, दूसरा तरीका ट्रांसफर करके है ना, तो हम ट्रांसफर वाले तरीके से ही सॉल्व करते हैं। 2 + t, ये एक का ट्रांसफर कर देते हैं उधर, कोई भी एक का, -2/1 + t डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर एलसीएम कितना जाएगा बेटा, टी इंटू 2 + t, क्लियर रहता है ना, टी इंटू 2 + t, फिर इसका मल्टीप्लाई इधर 6 + 3t राइट ना, +3t इक्वल -2/1 + t, ये कितना हो गया बेटा 6 + 6t, 6 + 6t, 6 कॉमन ले लें तो कितना आएगा 1 + t अपॉन टी इंटू 2 + t इक्वल -2/1 + t, ये 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर आ गया 3, और इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + t का होल स्क्वायर इक्वल माइनस, ये 2 को 6 से कैंसिल कर दिया है। अब क्या बचा बेटा, टी इंटू 2 + t, 3 × 1 + t² + 2t - 2t - t² 3t² + t² यानी 4t² + 8t + 3 = 0। देखो ये 3 × t² 3t² ये माइनस है, इधर ट्रांसफर करेंगे प्लस, 3 × 2 = 6t, ये -2 का + 8t, अब 4 × 3 = 12 + 6 × 2 है ना, तो फैक्टर हो जाता है बेटा इसके 4t² + 6t + 2t + 3 = 0। यहां से अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, केवल हमें फैक्टर करना है। सो टी की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2 - 1/2। टी हमने किसको लिया था बेटा, लॉग एक्स को, जिसका बेस 4 है कि नहीं। सो लॉग एक्स बेस 4 इक्वल -3/2, देन एक्स इक्वल कितना आएगा 4 - 3/2, 4 यानी 2 का² - 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 - 3, 2 - 3 मतलब 1/2 3, 2 - 3 कितना होता है 8। सो फाइनल आंसर क्या आ गया बेटा अपना, एक्स इक्वल 1/8। दूसरा फैक्टर के लिए लॉग एक्स इक्वल -1/2, ये x इक्वल क्या जाएगा log की डेफिनेशन से 4 - 1/2, यानी 1/√4, ये नीचे जाएंगे पावर, रूट फोर कितना होता है 2, सो x इक्वल 1/2। x की दो वैल्यू मिल रही है हमें, समझ में आ गया था ये फॉर्मूले का यूज किया अपन ने इसमें। अब देखिए सभी क्वेश्चन में 2-3 फॉर्मूले यूज होते ही हैं, फॉर्मूलों की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, और उसके साथ साथ फिर कुछ अलजेब्रा भी यूज करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉगरिथम, पहले भी बता चुका हूं,
इसको अच्छे से सॉल्व करना है, काफी जगह यूज होना होता है इसका। देखो एक बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है, इफ log 2 base 7 equal a, then log 28 base 49 की वैल्यू फाइंड करना है। ऑब्जेक्टिव है, ऑप्शन दिए हुए इसमें, पहला ऑप्शन दिया है 1 प्लस 2a बाय 4, 1 प्लस 2a बाय 4, दूसरा ऑप्शन है 1 प्लस 2a बाय 2, तीसरा है 1 प्लस 2a बाय 3, चौथा है नन ऑफ दीज। ये चार ऑप्शन दिए हुए क्वेश्चन में हमें। लॉग 2 बेस 7 की वन है बेटा a, लॉग 28 बेस 49 फाइंड करना है। log 28 base 49, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं log 28 डिवाइड log 49, फॉर्मूला पता है सबको, log b बेस a यानी log b अपॉन log a, और यहाँ का लॉग जो है बेस से फ्री है, बताया था यहाँ पर आप कोई भी बेस पुट कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमें बेस कितना दिया है 7, इसलिए यहाँ पर हम बेस कौन सा लेंगे 7। अब 28 को क्या लिखा जा सकता है, 4 × 7 राइट ना, और 49 को क्या लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। लॉग एम इंटू एन मतलब लॉग एन प्लस लॉग एन, ये फॉर्मूला लॉग एम इंटू एन, लॉग एम प्लस लॉग एन। देखिए बगैर फॉर्मूलों के हम इसको समझ नहीं सकते हैं, फॉर्मूले बार बार याद करते रहिए, यदि याद नहीं हो तो 10 फॉर्मूले टोटल वो आपको पूरे याद होना चाहिए। log m पावर n कितना होता है n log m है ना, ये टू इधर आ जाएगा log के बाहर, और log 7 बेस 7 1 होता है। log 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ये 4 को भी log के बाहर किया जा सकता है 2 को, 2 का स्क्वायर, तो ये कितना जाएगा 2 log 2 बेस 7 प्लस 1 बाय 2, log 2 बेस 7 कितना होता है 1, सो इट इज 2a प्लस 1 बाय 2, 2a प्लस 1 अपॉन 2। आगे होगा अगला समझे, देखिए एक क्वेश्चन आया था इस साल लॉगरिथम का, जिंदाबली एडवांस की बात कर रहा हूं, उसमें पूछा गया था उनका, वो आपको सॉल्व करवाता हूं। एकदम आसान क्वेश्चन था बट सारे फॉर्मूले यदि पता हो तो बहुत आसान लगता है ना, यदि फॉर्मूला मिस करेंगे कहीं तो दिक्कत होंगी। लिखे क्वेश्चन, log बेस 1 बाय 3 729 इंटू क्यूब रूट ऑफ 9 पावर माइनस 1, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नहीं था बेटा रिमेम्बर, हाँ टाइप बता रहा हूं, टाइप ऐसा ही था उसका, पावर 1 बाय 4,
इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, राइट। मेन में भी लगभग किसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, ये एडवांस वाला था, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाता है तो कहीं और यूज भी करते हैं उसका, क्योंकि एडवांस में मल्टीपल आंसर मिलते हैं ना, मल्टीपल कॉन्सेप्ट होते हैं, तो कोई एक पार्ट होता है फिर इसका यूज कहीं और भी किया जाता है। हाँ बेटा बताइए, अभी सबसे पहले सेट लॉग, ये एम पावर एन है तो पहले बाहर पावर नाइन से सिंप्लीफाई करते हैं, चलो एकदम आसान लगेगा, 1/3 729 यानी 3/6, ये पहले आपको बता चुका हूं, ये क्यूब रूट है, इसका मतलब क्या होता है 9 पावर माइनस 1, 27 पावर माइनस 4/3 और पावर 1/3, क्लियर हो गया। 1/4 log 1/3, 3/6, 9 का मतलब क्या होता है 3 का स्क्वायर, तो ये 3 पावर माइनस 2, लिख सकते हैं ना, 9 यानी 3 का स्क्वायर और पावर माइनस 1 है, इसलिए 27 कितना होता है बेटा 3 का क्यूब और उसकी पावर में है -4/3 और पावर एक और है 1/3, बाकी सब में अभी हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। 3/6, ये देखो बेटा ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 पावर माइनस 2, 3 पावर माइनस 4 कितना हो जाएगा, ये 3 पावर माइनस 2, 3 पावर माइनस 4 बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, ऐड होने के बाद कितनी आएंगी है 3 पावर माइनस 6, बराबर है। और आगे बढ़ाओ क्या आएगा बेटा, अभी 1/4 log of 1/3, ये 3 से 6 कैंसिल, यहां कितना आ गया -2, 3/6 इंटू 3/-2 कितना बेटा है 3/4, 1/3 को लिख सकते हैं 3/-1, ये 4 जो है बाहर 1/4 × 4, बेस के लिए भी एक फॉर्मूला था ना बेटा a/t वाला, ये फॉर्मूला log n बेस यदि a/t हो तो क्या लिख सकते हैं 1/t log n, लिख सकते हैं ना, t का बाहर होकर 1/t, तो ये -1 को भी बाहर कर सकते हैं, बाहर आकर कितना जाएगा -1/1, log 3 बेस 3 1 होता है, 4 से 4 कैंसिल, सो फाइनल आंसर कितना आ गया इसका -1, आया बेटा समझ में। क्वेश्चन आसान था, बस आपको 1/1 स्टेप जो है लाइन से, ताकि कोई गलती नहीं हो, लॉज ऑफ इंडिसेस को फॉलो करना था। लिखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम अभी, और आज हम ऐसे ही मजेदार प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए अपने को तो सॉल्व हो जाता है सब अच्छे से। फोर पावर लॉ
इक्वल 32 माइनस एक्स पावर लॉग 4। बेस नहीं दिया, इसका मतलब बेस आपको क्या लेना है 10। बेस 10 लेंगे इसका, डेटा बनी में जो एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछे गए लॉगरिथम से रिलेटेड वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी तक जेडब्ल्यू में जितने क्वेश्चन आए वो सब करवाऊंगा। हाँ बेटा, एक फॉर्मूला था याद होगा आपको, a पावर log b इक्वल b पावर log a, पता है ना, a पावर log b इक्वल b पावर log a, बस बेस सेम होना चाहिए, यहां जो था कुछ नहीं लिखा है, मतलब सेम बेस। इस फॉर्मूले का यूज करें तो 4 पावर log x किसके इक्वल होगा, x पावर log 4 के, है कि नहीं, 4 पावर log x इक्वल x पावर log 4। मान लीजिए ये दोनों जो है लैम्ब्डा के इक्वल है, अब गिवन इक्वेशन क्या आ जाएंगे, लैम्ब्डा इक्वल 32 माइनस लैम्ब्डा, इट मींस 2 लैम्ब्डा इक्वल 32 और लैम्ब्डा इक्वल 16। क्लियर है बेटा सभी को, वैल्यू पुट कर दिए बस। लैम्ब्डा हमने किसको सपोज किया था, 4 पावर log x को, और 16 यानी 4 पावर 2। बेस सेम हो गया, पावर कंपेयर log x इक्वल टू, बताया था बेटा बेस नहीं दिया है, मतलब बेस क्या लेना है 10। सो x इक्वल कितना आ जाएगा 10 पावर 2, 10 पावर 2 कितना होता है 100, तो x की वैल्यू आ गई 100। फॉर्मूला यदि हमें पता है तो फटाफट हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लिखें, हो गया है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम में बेटा समझिए, देखिए log ऑफ बेस 10 रूट ऑफ log x बेस 10 इक्वल log x बेस x स्क्वायर। प्रॉब्लम सिंपल दिखता है, वेरी सिंपल राइट, बट फॉर्मूले पूरे याद होना चाहिए तभी सिंपल रहता है। log ऑफ रूट ऑफ log x बेस 10 इक्वल log x बेस x स्क्वायर, log बेस 10, बेस अलग अलग है बेटा, जब तक बेस सेम नहीं होता है आप लॉगरिथम सॉल्व नहीं कर सकते, तो यहां पर बेस चेंज करने वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या फॉर्मूला है ये, log x अपॉन log x स्क्वायर, बेस के ले लें अभी 10, अब सबके बेस सेम हो गए, log b बेस a का फॉर्मूला log b अपॉन log a राइट, log बेस 10 ये रूट मतलब पावर 1/2, तो 1/2 यहां पर आ जाएगा, क्या बचा बेटा अभी, log x बेस 10 इक्वल log x बेस 10 डिवाइड, ये 2 बाहर, 2 log x बेस 10, ये log x बेस 10 से log x बेस 10 कैंसिल, और जो 1/2 है वो इस 1/2 से कैंसिल, मतलब log ऑफ x बेस 10 इक्वल 1। ये पहले log के लिए ये n हो गया, इस टाइप के समान कर चुके हैं पहले भी याद होगा, तो n इक्वल क्या आ जाएगा बेटा,
टेन पावर वन यानी टेन। फिर एक बार सेम फॉर्मूला लॉग का, तो कितना आ जाएगा एक्स इक्वल टेन पावर टेन। बहुत बड़ा नंबर होता है ना, टेन पावर टेन, टेन इंटू टेन इंटू टेन, टेन टाइम, राइट। लिखिए और नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलिए एक बड़ा सा क्वेश्चन बताता हूं, रेडी रहिए, मजेदार क्वेश्चन है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं इस क्वेश्चन से। आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सब क्लियर हो जाएंगे एक एक क्वेश्चन में। देखो लॉग ऑफ, थोड़ा रेडी रहिए बेटा, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस वन बेस वन माइनस टू एक्स माइनस लॉग ऑफ फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन बेस वन माइनस थ्री एक्स इक्वल टू। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे फॉर्मूले इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगे, राइट। थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिए। अभी देखो बेटा, सबसे पहले इसके फैक्टर हो सकते हैं सिक्स एक्स स्क्वायर, ये अलग से बता देता हूं आपको, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस वन। क्या फैक्टर हो रहा है इसके, माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन, थ्री एक्स कॉमन, टू एक्स माइनस वन माइनस टू एक्स माइनस वन, फिर टू एक्स माइनस वन कॉमन, थ्री एक्स माइनस वन, बराबर है। फैक्टर क्या होगा, टू एक्स माइनस वन इंटू थ्री एक्स माइनस वन। एक बार ध्यान दो बेटा, इसमें बताया था मैंने कि इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना है। यहाँ पर लॉग का बेस कितना है, वन माइनस टू एक्स, इधर कितना है वन माइनस थ्री एक्स, तो क्यों ना यहाँ पर इसको भी हम चेंज कर लें, ये टू एक्स माइनस वन है, माइनस कॉमन निकाला तो वन माइनस टू एक्स, यहां से भी माइनस कॉमन निकाले तो वन माइनस थ्री एक्स, माइनस कॉमन निकालते हैं तो दोनों के साइन बदल जाएंगे ना। ये ध्यान रखो, जब भी हम a माइनस बी में से माइनस कॉमन निकालेंगे तो b माइनस a हो जाता है, दोनों का मतलब सेम होता है ना। तो 2x माइनस वन है, माइनस कॉमन लिया तो 1 माइनस टू एक्स, फिर यहां से भी माइनस कॉमन लिया तो जो पहले माइनस आया था वो प्लस हो गया, पहली बात। आगे बढ़ता समझने, log 1 माइनस टू एक्स और इसके फैक्टर 1 माइनस टू एक्स 1 माइनस थ्री एक्स माइनस log बेस वन माइनस थ्री एक्स। ये देखो क्लियर दिख रहा है फॉर्मूला बेटा, है टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, वन माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर कितना होता है वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। सो इसको क्या लिख सकते हैं हम, वन माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर। टू एक्स माइनस वन का क्यों नहीं लिखा रहता, क्योंकि इधर बेस वन माइनस टू एक्स था। अब आगे बढ़ते हैं, बता सकते हो थोड़ा आसान हो गया है, ये हो गया लॉग एम इंटू एन यानी लॉग एम, log m प्लस log n। कोई प्रॉब्लम इसमें, log m इंटू एन, log m प्लस log n माइनस, ये टू बार
कितना आ जाएगा बताइए, टू लॉग वन माइनस टू एक्स वन माइनस थ्री एक्स इक्वल टू। याद रखो यदि यहां पर हम 2x माइनस वन लिखते हैं तो इधर 2x माइनस वन बचता फिर, है ना, बेस इधर 1 माइनस टू एक्स था, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, नंबर भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो यदि इधर 1 माइनस टू एक्स पॉजिटिव होता तो 2x माइनस वन निगेटिव हो जाता, इस कारण से दोनों का सेम होना जरूरी है, बराबर है। इसीलिए हमने क्या किया, इसको 2x माइनस वन का स्क्वायर नहीं लिखा, इसको क्या लिखा है, 1 माइनस टू एक्स का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम, ये 1 होता है प्लस इसको टी सपोज कर लिया हमने, इस लॉगरिथम को लिया है टी। अब ये वाले लॉगरिथम में और इस लॉगरिथम में क्या चेंज है, देखो नंबर और बेस इंटरचेंज है, यदि नंबर और बेस इंटरचेंज है, इसको टी लिया है तो ये कितना जाएगा, 1 बाई टी फॉर्मूले से, है ना, इक्वल टू। इसका मतलब टी माइनस टू बाई टी इक्वल वन, है ना, टी माइनस टू बाई टी, ये वन का ट्रांसफर उधर, टू माइनस वन वन, जिसको सॉल्व करना है तो टी स्क्वायर माइनस टू इक्वल टी, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस टू इक्वल जीरो, फैक्टर इसके फैक्टर तो आसानी से हो जाते हैं, टी माइनस टू टी प्लस वन इक्वल जीरो, टी इक्वल टू टी इक्वल माइनस वन। टी हमने किसको सपोज किया था बेटा, पहला टी हमने लिया था लॉग वन माइनस थ्री एक्स, लॉग वन माइनस थ्री एक्स बेस वन माइनस टू एक्स को इक्वल टू, ये रहे प्रॉब्लम, टी इक्वल टू, ये हमने टी इसको लिया था, सॉल्व करें इसको तो वन माइनस थ्री एक्स इक्वल क्या आ जाएगा, वन माइनस टू एक्स का स्क्वायर। ये रब कर देते हैं, सो वन माइनस थ्री एक्स इक्वल वन प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x, ये 1 1 कैंसिल, 4x स्क्वायर इसका इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस 3x माइनस 4x यानी माइनस x इक्वल जीरो, x कॉमन 4x माइनस 1 इक्वल जीरो, x इक्वल जीरो, x इक्वल 1 बाय 4, बट x इक्वल जीरो से बेस कितना आ जाएगा, वन, यहां पर सही ना बेटा, यदि x जीरो रख देंगे तो बेस वन आ जाएगा, और आप जानते हैं लॉगरिथम का बेस कभी भी वन नहीं होता, तो इसलिए x इक्वल जीरो को रिजेक्ट कर देंगे, बराबर है बेटा। और देखो बेस जो है, दो बेस है अपने पास में, एक 1 माइनस टू एक्स है और दूसरा बेस कौन सा है, 1 माइनस थ्री एक्स, बेस कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, 1 माइनस टू एक्स, बस केवल साइन देखना है उसका, पॉजिटिव है या नहीं है, कितना है बेटा, है 1 माइनस 1 बाई टू यानी 1 बाई टू, ऑब्वियस पॉजिटिव है पहला बेस, एंड दूसरा बेस क्या है, 1 माइनस थ्री एक्स, एक्स वन बाय फोर को चेक करना है,
यानी 1/4, 1 - 3/4 मतलब 1/4, तो ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब x इक्वल 1/4 इसका आंसर सही है, सही है। तो एक आंसर मिला हमें x इक्वल 1/4। ध्यान दो, t की दो वैल्यू मिली थी, एक t इक्वल 2 था और दूसरा कितना था, t की वैल्यू -1। तो ये बाकी है अभी अपना सॉल्व करना, t इक्वल -1। यदि पूरे क्वेश्चन को हम एक बार रिपीट करें फिर से देखें तो समझ लो, इसका बेस था बेटा 1 - 2x और इसका बेस था 1 - 3x। इसके फैक्टर हमें दिख रहे थे कि ये भी 2 और 3 में ही फैक्टर होगा, तो इसलिए इसके फैक्टर कर लिए। इसके फैक्टर क्या मिले, सेम ही मिले जो बेस थे, यानी 1 - 2x 1 - 3x। इधर जो था ये वाला नंबर, ये 1 - 2x का होल स्क्वायर था। यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज कर लिया log m into n वाला, log m plus log n, फिर माइनस, यहाँ पर भी फॉर्मूला है log m power n, n log m equal to, ये दोनों सेम है इसका मतलब ये 1 हो गया, प्लस इसको हमने t लिया है, ये 1/3 हो जाएगा इक्वल टू, आगे फिर कैलकुलेशन है। इसमें एक समझने वाली बात यह है कि x की हमें दो वैल्यू मिली, एक 0 और एक 1/4, इसमें से 0 रिजेक्ट हो रही है, 0 रिजेक्ट होने के कारण इसका बेस जो है वो 1 है, बेस 1 नहीं होता कभी और बेस कभी निगेटिव नहीं होता, राइट। x इक्वल 1/4 से दोनों बेस जो है पॉजिटिव आ रहे हैं, और जो बेस में लिखा है वही नंबर भी है, देखो बेटा ये नंबर है और ये भी नंबर ही है ना, तो बेस और नंबर सेम है, बेस पॉजिटिव आ गया इसका मतलब नंबर भी पॉजिटिव है। तो x इक्वल 1/4, जो t की वैल्यू -1 थी, तो इसको आपके लिए छोड़ रहा हूं, जैसा यहाँ पर एक 2 लिया है ना हमने, अभी क्या लेना होगा -1, तो इसके आगे आप सॉल्व करके कल बताइएगा क्या आंसर आता है, राइट। अभी कुछ प्रॉब्लम दे रहा हूँ आपको सॉल्व करने के लिए, कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, सॉल्व कीजिएगा उसको। हाँ बेटा ये होमवर्क है आपके लिए, इसको कल सॉल्व करके लाइएगा और कल हम JEE में पूछे गए क्वेश्चंस को डील करेंगे। थैंक यू।